तैयार हो जाएंगे आज के इस वीडियो को देख कर फिर एक बार हंसने के लिए, क्योंकि आज हम आपको ऐसी ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपका मनोरंजन तो होगा ही, साथ ही आपके इंटरनेट का पैसा भी वसूल हो जाएगा। तो हर वीडियो की तरह हमारे इस वीडियो को भी आप आखिर तक जरूर देखिए। आपको भी अगर ऐसा लगता है कि जानवरों को हम इंसान क्या बात कर रहे हैं, या फिर कहो हम उनके साथ मस्ती कर रहे हैं, ये समझ नहीं आता, तो आप काफी गलत है। और वो कैसे, ये हम आपको बताते हैं। इस वीडियो में एक शख्स अपने पालतू शिप्स में से एक शिप पर बैठकर उसकी सवारी करने लगता है, जबकि शिप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और उसने क्या किया वो आप खुद ही देखिए। तो देखा आपने कैसे शिप ने पीछे मुड़कर उस आदमी को हेडशॉट दे डाली, ताकि वो ऐसी हरकत फिर से ना दोहराए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ऐसे कई वीडियोस हैं जिसमें यह देखा जाता है कि जानवर घर या फिर दुकान में घुस जाते हैं, और उसी में से एक मिलता जुलता नजारा हमें यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ऊंट इस दुकान के अंदर आता है, जिसे देखकर दुकान में खड़े हुए दुकानदार डर के मारे अंदर घुस गए, जिन्हें लगा कि ये ऊंट बैंड बजाएगा, लेकिन शायद ऊंट अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीदने के लिए आया था, पर उसे कुछ खास पसंद नहीं। मेरे को परसों तक मुझे 25,000 मिल जाने चाहिए, अरे मुझ मुंडवा के गधे पे बिठा दूंगा। कुछ कुत्ते बकरियों को देखकर ही उन पर चार्ज हो जाते हैं, जिन्हें पता नहीं बकरियों से इतनी दुश्मनी क्यों होती है, लेकिन उन्हीं में से एक बकरी ऐसी है जिसने सभी का बदला अकेले ही ले लिया। यहाँ पर ये बकरी कहीं जा रही थी, तभी सामने वाले कुत्ते ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद बकरी ने क्या कांड किया ये तो आपने देख ही लिया। अच्छा मेरा पीछे पीछे नहीं आने का, चुप कर बे कुत्ते, मार दिया क्या तुम? पता नहीं बेचारा कुत्ता यहाँ से कौन सी दुनिया में जाकर गिरा होगा, ये तो अब सिर्फ उसे ही पता। अच्छा। घोड़े की सवारी करना कई लोगों को पसंद होता है, जिसके चलते लोग घोड़ों के ऊपर बैठकर बड़े मजे से घुड़ सवारी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें गधे की सवारी करनी है, और उसमें क्या कांड होता है वो आप यहाँ पे देखें। ये महाशय गधे की सवारी करना चाहता था, मगर गधे ने इसे नीचे फेंक दिया और भगा दिया, जो कह रहा होगा कि मुझसे बड़ा गधा तो तू है, चल उतर मेरे पीठ से। पनौती उतर, उतर नीचे, उतर, भाग यहाँ से। तुम में से कोई भी नहीं आएगा, समझे ना, सब लोग चल के आएंगे। मुझे माफ कर दो। दोस्तों आपने लॉयन किंग मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें कई सारे हाइनास शेर को घेर लेते हैं। खैर वो तो फिर भी एक मूवी थी, क्या आपने ऐसा नजारा असलियत में होते हुए देखा है? नहीं ना। तो आप यहाँ देखे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे हाइनास ने अकेले शेरनी को घेर लिया, लेकिन फिर भी शेरनी उनसे डरी नहीं, जो उनके आँखों में आँखें डालकर वही खड़ी रही, जिसके कुछ वक्त के बाद ही वहाँ पर शेर की एंट्री हो जाती है, जिसे आते हुए देख ये हाइनास दूर से भाग लेते हैं। उन्हें पता है कि शेरनी भले ही एक बार हमें माफ कर दे, लेकिन शेर उन्हें खाए बिना नहीं मानेगा। मेरे भाई को पता चला ना तो तुम्हें भगा भगा कर मारेगा। अच्छा, बुला अपने भाई को। भाई अब जरा इस क्लिप को देखें, जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी लोग डरे हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। लगता है कि सामने से कोई खतरनाक जानवर इनके पास आ रहा है। आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा जानवर होगा जिससे कि ये इतने डर रहे हैं? शेर? अरे नहीं, ये तो एक हाथी है, जो आगे आकर इन दोनों पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसके चलते इस गुस्सेल हाथी भाई ने सामने खड़ी हुई गाड़ियां तोड़ दी और वहां से चलता बना। इस घटना के दौरान वहां के लोग इतने डर गए कि एक दूसरे को इस दुकान के अंदर घुसाने लगे। खैर इस दौरान किसी को भी हानि नहीं पहुंची, बस हाथी भाई ने आसपास के चीजों को खराब कर दिया। देखो देखो वो आ गया। चल 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 भैया, चल चल छूट गया। हम फर्स्ट ए स्टार्ट, हम फर्स्ट। मेरे सामने मत आओ, मैं लो ही है।
तोड़ दिया भैया जिस्माइल, मरना तेरे को डर नहीं लगता। भाई बंदरों की बात की जाए तो ये कब कहां पे प्रकट हो जाए ये हम कह नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खाने के लिए लोगों के घरों में घुसते हैं। अभी वक्त बदल चुका है साहब, अब ये बंदर पढ़ाई भी करने लगे हैं। जैसे कि आप इस बंदर को देखें जो इस क्लासरूम के खिड़की से अंदर झांक रहा था, और इसकी हरकत से यही साबित होता है कि ये बंदर भाई पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता है। जो सोच रहा होगा कि बाप रे ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट लगता है। इसका आंसर लिखिए 120 रोटेशंस इन 1 मिनट। ये आंसर किसने दिया? रोहित तुमने 10th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम जबानी सॉल्व कर दिया। जी छोटा मोटा टपोरी समझाता ना तू। दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।